हाय एवरीवन, आज हम गेहूं के आटे से बनी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चटपटा कुरकुरा नाश्ते की रेसिपी लेकर आए जो 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हो। ना ही पूरी ना ही कचौरी, जिसे भी खिलाओगे सब पूछेंगे कैसे बनाए। एकदम नई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मांग मांग कर खाएंगे। चलिए देर की इस बात की नाश्ता को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉयल आलू ले लिया है, छिलका हटा के ले लिया है। अब आलू को हम ग्रेट करेंगे, आप मैश करके भी ले सकते हो। आलू को मैश करके ले लिया है। एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, एक प्याज, दो हरी मिर्च, बारीक कटी हुई हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी चाट मसाला, इससे चटपटी बनेंगे, और थोड़ी सी गरम मसाला, गरम मसाला मात्रा थोड़ा सा ही डालना है। 2 चम्मच चावल का आटा मिलाएंगे। चावल के आटे डालने से बाइटिंग अच्छी आएगी। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। बहुत ही कम मसाले में नाश्ता बन के रेडी हो जाते हैं। रसोई में बेसिक सा जो मसाले होते हो उसी से ही बना के दिखा रही हूँ, झटपट बना के रेडी कर सकते हो। मिक्स कर लिया है, अब हाथों को साफ कर लेंगे। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा सा पोषण ले लेंगे, इस तरह से दबा लेंगे, फिर गोला करेंगे, फिर इसके हल्के हाथों से दबा लेंगे, जिस तरह से टिक्की बनाते उसी तरह से बना लेंगे। इसी तरह से हम सभी को रेडी करके ले लेंगे। सभी को बना के रेडी कर लिया है, अब इसको साइड में रख लेंगे। दूसरा बाउल ले लिया है, 4 चम्मच गेहूं का आटा मिलाएंगे, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया, 1 चम्मच सफ़ेद तिल। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेटर रेडी करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कोई लम्स ना रहे। तिल डालने से देखने में भी सुंदर लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। देखिए मिक्स कर लिया है, इस तरह से बेटर चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। और जो टिक्की रेडी किया है वो इस तरह से डिप करेंगे और ऑयल में छोड़ेंगे। अब हम गैस पे चलते हैं, ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल भी हमारी गर्म हो गई है, अब इसमें से निकाल के ऑयल में छोड़ेंगे। इसी तरह से एक एक करके डिप करेंगे और ऑयल में छोड़ेंगे। डाल दिया है, एक साइड सिकने देंगे गैस का, पहले हम हाई टू मीडियम करके इस तरह से गर्म ऑयल ऊपर से डालेंगे, क्योंकि मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, अब डीप फ्राई भी कर सकते हो। एक साइड सिक गई है, अब हम पलट लेंगे। देखिए कलर चेंज हो गई है, पलट लिया है, अब दूसरी साइड भी सेक लेंगे, फिर से पलट लेंगे। देखिए इधर भी कलर चेंज हो गई है, पलट लिया है, अलट पलट के 2-3 मिनट और सेक लेंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर देंगे। बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी है। 5 मिनट में नाश्ता को बना के रेडी कर सकते हो, सुबह कोई भी टाइम बना सकते हो। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मांग मांग कर खाएंगे। इसमें समोसा कचौड़ी पकौड़ी के स्वाद आएंगे, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। देखिए नाश्ता हमारी सीख गई है और कलर भी कितनी बढ़िया आ गई है, अब हम निकाल लेंगे। देखिए पास से दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया बनी है, इसी तरह से सभी को रेडी करके ले लेंगे। नाश्ता हमारी रेडी है खाने के लिए, कितनी बढ़िया लग रही है, इसका लुक देखिए, क्रिस्पी कितना बना है। और स्टफिंग दिखाती हूँ, देखिए एक बार इस नाश्ता को बनाएंगे तो आप यही नाश्ता बनाना पसंद करेंगे। इस तरह से हरी चटनी सॉस के साथ खाइए, खाली भी खा सकते हो। इस नाश्ता को खाने के बाद बाजार की समोसा कचौरी भूल जाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ आपकी नाश्ता की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नई हो और इसी तरह की आसान नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं, बाय।